का सामान आया है, अर्गस का सामान आया है। अर्गस के लिए सामान आया है। क्या आया है अर्गस? क्या खाएगा?
क्या खाएगा? अरे हंस रहा है, हंस रहा है। क्या खाएगा तुम? क्या खाएगा गुड बॉय, क्या खाएगा? हाय फ्रेंड्स, सो मैं अभी सुपरमार्केट से आ गई हूँ और सुपरमार्केट जाने का मेरा एक मेन रीज़न ये था कि मुझे लाइक वाटर का कैन जो मैं मंगवाती हूँ, सो उन लोगों ने वाटर का कैन देना लाइक स्टॉप कर दिया। उन लोगों ने बोला कि आप 500 का परचेज करोगे तभी वो होम डिलीवरी के लिए आएगा एंड ऑल दैट, जबकि मैं यहाँ पे एक साल से रह रही हूँ और एक साल से मैंने पानी का कनेक्शन ले रखा है, पानी का मैंने लाइक उन्हें बोल रखा है, बट अचानक से ये न्यू रूल आ गया उनका पता नहीं क्यों। इस वजह से लाइक मुझे जाना पड़ा सुबह ही सुबह, बिकॉज मैं आई के नॉट लाइक हर दिन मैं वो 2 लीटर का वो बॉटल खरीद करके नहीं मतलब यूज़ कर सकती, इट गेट्स डिफिकल्ट कि बार बार कैरी करके लाओ, एंड ये ठीक रहता है। इसमें मैंने ये वाला भी लगा रखा है सो दैट वो ऑटोमेटिकली लाइक चार्ज करके वाटर भी आ जाता है। सो इस वजह से मैं आज गई थी और मैंने उनसे काफ़ी लाइक पूछा वूछा भी, लाइक लड़ाई तो नहीं किया बट पूछा वूछा, एंड वहीं से मैंने सामान वगैरह भी कुछ ले लिया एंड उसके बाद फिर मैं अभी वापस आ रही हूँ। और मैंने वैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैंने आरओ क्यों नहीं लगाया है, मैंने आरओ भी लगाया है गाइस, आप ये देख सकते हैं ये आरओ, लेकिन अभी मैं इसका वाटर इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये एक साल पहले ही लग गया था, इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे लाइक सोसाइटी में ना अभी टैंकर से वाटर आता है, सो अगर वो गवर्नमेंट का लाइक पाइपलाइन आता तो फिर मैं लाइक यू नो आरओ यूज़ कर सकती थी, बट वो टैंकर का वाटर अगर फिल्टर भी कर लो तो वो काफ़ी गंदा होता है, लाइक वो पीने लायक होता नहीं है बिकॉज मिट्टी वगैरह होता है एंड इसलिए ना मतलब सेफ नहीं है। इसलिए मैंने ये आरओ लाइक लगवा के, काफ़ी एक्सपेंसिव ये आरओ है लेकिन फिर भी मैंने इसे लगा कर ना मैंने यूज़ करना शुरू नहीं किया, ओनली फर्स्ट डे मैंने ट्राई किया था, लेकिन यहाँ के सब लोगों ने बोला कि नहीं नहीं मत करो यूज़, इट्स नॉट गुड, बेटर कि ये वाटर का कैन ही लाइक मंगा कर यूज़ करो। सो मैंने ये कैन मंगा के मैं यूज़ कर रही हूँ और ये जो एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये मेरा वॉशिंग मशीन का स्पेस है लाइक फ्रंट लोड का, जो कि अभी तक मैंने लिया नहीं है। मेरा पिछले लाइक दिवाली में ही लेने का प्लान था लेकिन अभी तक मैंने डिले कर रखा है बिकॉज वो भी कुछ मेरा रीज़न है, मतलब बाद में मैं बताऊंगी। तो मेरा प्लान है लाइक यहाँ से लोरी लोकेट करने का, मे बी बैल्कनी एरिया और समवेयर लाइक टू फिक्स वो पाइपलाइन वहाँ से ले करके, बट देखते हैं अभी क्या करेंगे। इस वजह से ना मैं तब तक के लिए टेम्प्रेरी रूप में मैं यही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो वॉशिंग मशीन है, जब मैं वो वॉशिंग मशीन ले लूँगी कभी भी जब लेती हूँ तो ये वॉशिंग मशीन फिर मैं ना किसी को दे दूँगी यहाँ पे फैसिलिटीज़ में ही, तो उनको काम हो जाएगा जो नीचे रहते हैं। एंड ये देखिए मैं क्या क्या आज लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये व्हीट वाला ब्रेड लिया है बिकॉज ये मैं अपने आर्गस को देती हूँ, और ये ब्राउन ब्रेड भी लिया है, तो कभी भी अगर मुझे ब्रेड खिलाने का इसको होता है ना दूध के साथ तो फिर मैं ये ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। लिया है साथ में मैंने सोप और एक कोल्ड ड्रिंक्स जो कि मैं बहुत कम पीती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर पीती हूँ। फिर मैंने ये लिया है, ये है पास्ता जो कि लाइक कभी कभी बनाने के काम आ जाएगा। देन मैंने लिया है ये वाला मैगी जो एक के साथ एक फ्री मिला मुझे, एंड ये भी कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने लिए हैं कुछ लाइक यू नो कैंडल्स, ये कैंडल्स मैंने लिए हैं प्रेयर पर्पस के लिए, एंड साथ में मैंने ये वाला भी लाइक ब्लैक स्टोन वाला लाइक अगरबत्ती भी लिया है जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे ये सारा क्लीन करना तो मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। मैं नॉर्मली यूजली यही वाले लाइक अगरबत्ती यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका फ्रेग्रेंस एंड ऑल्सो वो बहुत सूदिंग भी है। एंड साथ में मैंने लिया है ये विम बार, एंड फिर एक छोटा सा चना का पैक, फिर एक छोटा वाला कुरकुरे, एक्चुअली 2 छोटे वाले कुरकुरे हैं ये देखिए, और मैंने लिया है ये फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल। मैंने आपको बताया था ना कि मैं मस्टर्ड ऑयल क्यों यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें इसका टेस्ट अच्छा रहता है। एंड ये मैंने लिया है लैम्प ऑयल, ये मैंने पूजा के लिए लिया है सो ये भी मैं इधर रख देती हूँ। लैम्प ऑयल मुझे नहीं पता था कि ये इतना एक्सपेंसिव होता है, सो मैं इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ। एंड साथ में मैंने लिया है 1 kg राइस बिकॉज ये भी मैं बहुत ही कम खाती हूँ, अगर मैं ये 1 kg राइस लूँ ना तो ये मेरा 10 दिन से ऊपर चल जाता है फ्रेंड्स बिकॉज मैं लाइक कम खा रही हूँ। एंड ये है लाइक अनदर ब्राउन ब्रेड जो कि मैंने 3 पैकेट ब्रेड्स लिए हैं बिकॉज मुझे ना आर्गस को खिलाना होता है इस वजह से। और साथ में मैंने लिया है एक पोहा भी, सो ये देखिए आप, ये पोहा का पैकेट है 1/2 kg वाला। एंड और कुछ यस, एक और सामान बच गया, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने इस बार इस टाइप का लिया है, वो पाउच नहीं लेकर के, सेम प्राइस है जो पाउच में आता है बट ये कैन है, लाइक पाउच से कभी कभी ना ज़्यादा निकल जाता है देन इट बिकम्स वेरी लाइक पंजेंट, तो इसमें क्या है कि स्कूप करके आप स्पून वाइज भी ले सकते हो एंड इट्स द सेम प्राइस सो नॉट अ बिग डील। और ये मेरा आइकिया का बैग जो मुझे इतना ज़्यादा काम आ रहा है, लाइक इसमें इतना भारी सामान भी लेके आओ ना तब भी उसमें लाइक कुछ पता नहीं चलता, अदरवाइज नॉर्मली अदर टोट बैग्स में ना शोल्डर पूरा पेन हो जाता है,
तो मैंने पानी के लिए तो बोल दिया है, एंड वो लोग बोल रहे हैं अभी आफ्टरनून में आएंगे, तब तक लाइक वेट करना पड़ेगा। मैंने डिलीवरी बॉय को देखा था इधर आसपास बिल्डिंग के, आई थिंक वो लेके आ सकता है। लेट्स सी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट बिकॉज आई डोंट नो उनका डिलीवरी सर्विस इतना खराब क्यों है। एंड मैं लाइक 3-4 बार कॉल करूँ तब जाके फिर वो लोग आते हैं, एंड इसलिए ना मैंने सामान मैं खुद ही कैरी करके ले आई, मैंने नहीं उनको बोला कि डिलीवरी करो, बिकॉज अगर मैं उनको बोल देती डिलीवरी करो तो वो पता नहीं शायद 2 दिन बाद मेरा सामान लेके आते, इसलिए ना मैंने बोला छोड़ो हटाओ मैं खुद ही लेके चली जाऊँगी। पानी की बात है तो पानी प्लीज़ मुझे पहुँचा देना। अभी फ्रेंड्स लाइक सुबह से मैं इतना बिजी हूँ, मैं अभी वॉक करके आई थी आर्गस को, उसके बाद ही लाइक 8:30 बजे मैं निकल गई वहाँ सुपरमार्केट सामान लेने, क्योंकि बाद में बहुत धूप हो जाती है, इट्स नॉट पॉसिबल टू वॉक। एंड सुपरमार्केट जो है वो पास में ही है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ऑटो वगैरह लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। एंड अगर वॉकिंग डिस्टेंस भी है 5 मिनट्स तो भी यू नो दोपहर या शाम के लाइक 4 बजे अराउंड इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है दैट इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं 8:30 बजे जैसे ही आर्गस को घुमा कर वॉक करके लेके आई, मैं 8:30 बजे ही निकल गई वहाँ पर सामान लेने के लिए, बिकॉज वो 8 बजे खुल जाता है। उसके बाद से तो मैंने दूध भी नहीं गर्म किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया, सारा काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा है। एंड अभी भजने वाले हैं 10, देख सकते हैं 10:10 बाकी है, सांस थोड़ा डिले हो गया। मैं सबसे पहले ना मतलब आर्गस का दूध गर्म कर देती हूँ, दूध गर्म करने के बाद फिर मुझे कपड़े वपड़े वॉश के लिए डालना है। एंड सो दोस्तों ये देखिए अभी ये दूध गर्म हो रहा है, दिस इज़ अ रिमाइंडर, अगर आप लोगों को भी दूध गर्म करना है, आप भूल गए हैं तो आप दूध गर्म कर सकते हैं। ये वीडियो को एक रिमाइंडर की तरह ले, लेकिन दूध को उबलने से और नीचे गिरने से बचें। आर्गस बहुत ज़्यादा आज थक गया है, बिकॉज आज इसने बहुत वॉक किया है और बहुत एक्सरसाइज भी किया है, और बहुत अच्छा गुड बॉय है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड बॉय है। आज इसके पीछे 50-50 कुत्ते पीछे पड़ गए थे जंगली वाले, लेकिन जैसे ही वो कुत्ते सारे इसके सामने आए, ये पीछे मुड़ के देखा, वो लोग वहाँ से ऐसे भागे जैसे मानो कोई शेर को देख लिया है। एंड विच इज़ ट्रू, इसे भौंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोगों ने भाग गए। एंड इसलिए आर्गस बहुत ही चौड़ा होके घूम रहा था आज, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। एंड अभी वो बिल्कुल ही थक गया है घर आकर के, एंड बिल्कुल भी उसे सोने का मन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए, बिकॉज अभी तक इसने खाना खाया नहीं है। जब ये एक बार खा लेगा उसके बाद जब ये सोता है तो वो उसका असली नींद होता है। आर्गस गेट अप, देखो तुम खाना नहीं खाओगे, उठ जा, अभी नहीं सोना, खाने के बाद सोना। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट एंड लंच, ये है मेरा मैगी, जो एक्चुअली इट्स नॉट मैगी, इट्स दैट 1-2-3 नूडल्स जो मैं लेके आई थी आज सुबह में, बिकॉज मैं कोरियन वाला लाइक नूडल्स यूजली पसंद करती हूँ, बट इट वाज ऑल आउट ऑफ स्टॉक, कुछ था नहीं, बस यही था, और वो टॉप रेमन था एंड मैगी था एंड चिंग्स वाले था, जो कि मैंने काफ़ी खा रखे हैं तो मैं बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने ना ये डिफरेंट सा लेके आई हूँ मैं। एंड ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसे कवर करके मैं कुक कर रही थी, यह काफ़ी सूपी सा है। एंड अभी आई थिंक 5 मिनट्स से कम में शायद रेडी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ड्राई खाना पसंद है, सूपी भी बट ड्राई भी। सो मिलते हैं 1-2-3 नूडल्स बनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1-2-3 नूडल्स तैयार हो गया है, एंड ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था विद ब्लैक पेपर, सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लग रहा है विद लॉट ऑफ लाइक फ्लेवर्स। एंड देख सकते हैं ये काफ़ी अनहेल्दी भी है, बट मैं हमेशा नहीं खाती हूँ दोस्तों, मैं लाइक नॉर्मली यूजली आई गेस ट्वाइस इन अ मंथ मैं नूडल्स खाती हूँ, पहले मैं हमेशा खाती थी बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, अब लाइक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ मैं खाती हूँ। एंड ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच भी है, सो डिनर लाइक अब डिनर का जब टाइम होगा तब मैं डिनर करूँगी, एंड अदरवाइज अगर नहीं तो शायद मैं डिनर ना भी करूँ। सो दिस इज इट दोस्तों, कभी आपने टेढ़ा मेढ़ा देखा है, टेढ़ा मेढ़ा डॉग देखा है, ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा डॉग है मेरा, ये देखिए कैसे सो रहा है, ये क्या हो गया इसे, ये क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया, अरे आर्गस ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया, आर्गस हेलो, इसमें क्या है, इसमें ये कुछ नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में क्या है, ये है पूरा कांति स्वीट्स का एक कंप्लीट पैक, लेकिन इसमें मैंने लाइक स्वीट्स नहीं मंगाया है, मंगाया है लेकिन उतना नहीं, मोस्टली मैंने स्नैक्स इसमें मंगाया है। एंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने पैक किया है, कितने अच्छे तरीके से, ये देखिए ये लाइक नमकीन वगैरह है, जो आलू का चिप्स, फिर ग्राउंड नट्स वगैरह का चिप्स, और भी कुछ चिप्स हैं, अभी मैंने खोल के देखा नहीं है,
बट ये देखिए कितने सही तरीके से, एंड ये ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने ना 100 ग्राम्स का लाइक स्नैक्स मंगाए हैं, जो कि लाइक मैं लाइक रात रात में अगर कभी कुछ लाइक फॉर टेस्ट चेंज खाने का मन होता है तो फिर आप थोड़ा सा लाइक खा सकते हो, नॉट नेसेसरी एक बार में सारा खाना है। और मैंने आज सुबह ही ब्रेड जाके मैं लेके आई थी ब्राउन ब्रेड, बट वो सारा लाइक व्हीट ब्रेड ब्राउन ब्रेड वो आर्गस के लिए है। मैंने एक स्वीट ब्रेड भी मंगाया है, जस्ट कभी अगर कुछ लाइक यू नो स्वीट खाने का मन हो तो फिर लाइक वन स्लाइस ऑफ ब्रेड खा सकते हैं, लाइक यू नो जस्ट कि उतना सारा लाइक स्वीट खाने से अच्छा है कि ऐसा हेल्दी खाओ तो ज़्यादा बेटर है। और ये मैंने अभी खाने के लिए लाइक 2 रसगुल्ले मंगा लिए हैं, जस्ट मैं ऑलमोस्ट लाइक यू नो आई थिंक 8 मंथ्स के बाद मैं खा रही हूँ रसगुल्ला, मैंने दिवाली पे भी नहीं खाया था मैंने अपने बर्थडे में खाया था शायद। एंड साथ में ये भी कुछ मंगाया है मैंने, ये क्या है मुझे नहीं पता, खोल के इसे देखते हैं। ओके ये एक कचौड़ी मैंने मंगाया था अभी आज खाने के लिए, आज मतलब अभी कभी भी मैं खाऊंगी एक कचौड़ी, ये 2 रसगुल्ले मैंने मंगाए अभी खाने के लिए, बाकी ये सारे स्नैक्स वगैरह मैंने कांति स्वीट्स का, लेकिन मैंने सुना था कि कांति स्वीट्स का स्नैक्स वगैरह एंड स्वीट्स तो अच्छे होते ही हैं बट स्नैक्स भी अच्छे होते हैं, सो इसलिए मैंने स्नैक्स भी मंगा लिया है। एंड मैं फर्स्ट टाइम मैंने कांति स्वीट्स का स्नैक्स मंगाया है, सो मैं ट्राई करूंगी एंड इवन दिस स्वीट ब्रेड, सो विल सी हाउ दिस ऑल्सो टेस्ट। और बाकी ये रहा हमारा बैग जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन लोगों ने पैक किया था, ये हमारा बिल एंड ये देखिए 319 रुपीज़, 300 रुपीज़ में मुझे लाइक ये सारा सामान मेरा आ गया, तो इट्स प्रीटी लाइक अफोर्डेबल एज वेल। सो आर्कस देख रहा है हेलो क्या खाएगा, स्वीट्स खाएगा, कचौड़ी खाएगा, क्या खाएगा, ये ना स्वीट्स वगैरह पेड़ा दूध का लाइक प्रोडक्ट्स या कलाकंद एंड ऑल इसे काफ़ी पसंद है, सो ये जो स्वीट है इसमें लाइक एक रसगुल्ला मैं आर्गस को खिलाऊंगी, वैसे डॉग्स को देना नहीं चाहिए स्वीट्स बट लाइक ये नॉर्मली यूजली कभी नहीं खाता है, सो इसे मैं एक रसगुल्ला खिलाऊंगी और एक मैं खुद खाऊंगी और ये सारे स्वीट्स सॉरी ये सारे स्नैक्स जो भी है तो मैं इसे रख देती हूँ अपने पैंट्री में। एंड आई डोंट नो मेरे पैंट्री में जगह है भी कि नहीं, बिकॉज मेरा पैंट्री बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल है गाइस, लेट्स सी। ये देखिए मेरा पैंट्री जो है वो ऑलमोस्ट ही लाइक एकदम ही फुल है, एंड बहुत सारा लाइक सामान तो मैं इस कैबिनेट में भी रखा है, मैंने उस कैबिनेट्स में भी रखा है, ये कैबिनेट ये एम्प्टी करना है एक्चुअली ना, उसमें कुछ कुछ लाइक जो बिजली का सामान होता है वो सब है, जबकि वो होना नहीं चाहिए बिकॉज ये सारा एक्चुअली ऊपर लॉफ्ट में होना चाहिए, एंड वो बिजली का सामान फालतू का मैंने इधर रख दिया है, वो सारा मैं ऊपर प्लेस कर दूंगी एंड ये दोनों कैबिनेट्स फ्री हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पे ही एडजस्ट कर देती हूँ या ऊपर रख देती हूँ इधर, लाइक मैंने ना 10 रुपीज़ के ये भी मंगा रखे थे कुरकुरे जो अभी तक लाइक आज सुबह ही मैं लेके आई थी, एंड मुझे अच्छा लगता है ऐसे रखना बिकॉज अगर ऐसे लगता है ना कि है अगर नहीं होता है कोई स्नैक तो फिर मन करता है और खाने का, ऐसे रखा रहता है ना तो मैं यूजली नहीं खाती हूँ, वो रखा ही रह जाता है। एंड ये रहा हमारा पैंट्री जो कि कुछ हद तक मैंने अरेंज किया था बट स्टिल लाइक बहुत कुछ अरेंजमेंट अभी लाइक ठीक से हुआ नहीं है, एंड इधर मसाले वगैरह इधर एक्स्ट्रा मसाले वगैरह है और इधर एक्स्ट्रा लाइक सारा ये हनी वगैरह एंड ये हिमालयन सॉल्ट वगैरह है जो कि इंडिया में काफ़ी लाइक चीप है हिमालयन सॉल्ट एंड ऑल, सो वो सारा है। एंड यूजुअली जो मसाला होता है वो मैं ये वाले में रखती हूँ, सो इसमें देख सकते हैं इसमें पूरा भरा पड़ा है मसाला एंड ऑयल भी लाइक मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था मस्टर्ड ऑयल, सो इस वजह से ना मैंने लाइक यहाँ पे आज सुबह लेके आई हूँ जो मैंने यहाँ पे रख दिया वो भी ख़त्म हो गया, सो इसमें भी लेकिन मस्टर्ड ऑयल हाफ पूरे कंटेनर में है, सो मस्टर्ड ऑयल का कोई लैक है नहीं, एंड दैट्स इट।